हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग हरि सिंह यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में जाकर वहां पे घूमेंगे और देखेंगे कैसा माहौल है वहां का। और हम लोग यहां पे सिविल लाइन से यहां से जा रहे हैं, तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हरि सिंह यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो दो रूट है, एक तो है रेलवे स्टेशन और दूसरा है बस स्टैंड। तो आपको रेलवे स्टेशन से 10 रुपये देकर आपको सिविल लाइन आना होगा, फिर वहाँ से आपको ऑटो लेकर 10 रुपये, वो भी ऑटो वाला लेगा, आपको यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में छोड़ देगा। और आप बस स्टैंड पे कहीं से भी, मतलब किसी भी, मतलब MP और UP बिहार से और अदर भी स्टेट से बस से आकर बस स्टैंड पे उतर के बस वहाँ से ऑटो लेकर, वो भी 10 रुपये लेगा सिविल लाइन का, फिर सिविल लाइन से आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देगा और आप इजली यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। दिन के टाइम में तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम को आपको ऑटो बुक करना होगा, शेयरिंग लेना होगा आपको, लेकिन दिन में तो अच्छे से ऑटो ऑटो चलती है तो आपको मिल जाएगा। चलते यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट। जब आप सिविल लाइन में आएंगे तो पहले आपको एक पेट्रोल पम्प पड़ेगा, उसके पास में ही है सिविल लाइन का थाना है, और फिर आपके पास क्या बोलते हैं मोबाइल पुलिस है, निर्भया का है, रेडियो पुलिस है, साइबर क्राइम का है, महिला थाना का। इसके रास्ते में बहुत सारे पड़ जाएंगे, जो ऑफिस है SP ऑफिस भी आपको दिख जाएगा, वहीं पे अच्छे अच्छे ऑफिस है। फिर आपको कुछ हॉस्टल्स भी दिख जाएंगे वहाँ पे सिविल लाइन में। तो ये सब तो बात हो गई, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी। तो एक डिपार्टमेंट जिसको मानव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, जिसमें क्या बोलते हैं मानव की अध्ययन किया जाता है, जो पहले ट्राइबल्स थे उनके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी में 3 प्रोग्राम चलाए जाते हैं, BA, BSc एंड MSc और MA भी शायद होगा, और आप PhD भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको इस 2 साल से हरि सिंह यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET PG और CUET UG देना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। और एडमिशन की जो प्रोसेस है मेरे YouTube चैनल पे अच्छे से बताई हुई है, जो आप जाकर विजिट कर सकते हैं, दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ की फीस बहुत कम ही है, और हम लोग अभी डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के सामने थोड़ा सा छोटा सा गार्डन जैसा होता है, जो कि बहुत अच्छा फूल से मतलब बनाया होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर पार्किंग स्टैंड भी होती है, मतलब को अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। और इस पार्क में लोग ठंडियों के मौसम में आराम से पढ़ते रहते हैं बैठकर, और अच्छा माहौल रहता है, और धूप भी खिली खिली रहती है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, हम लोग यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट प्लेस है, मेरा भी तो फेवरेट प्लेस है, मैं भी यहाँ पढ़ता हूँ। तो चलिए यूनिवर्सिटी का व्यू देखते हैं। सो ये कुछ ऐसा व्यू है हमारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का, एंथ्रोपोलॉजी का, सब देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको किस साल एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर UG क्लासरूम में, जहाँ पे UG की क्लासेस लगती हैं। तो ये UG का कुछ क्लासरूम ऐसा है, और उसके बाहर से कुछ ऐसा व्यू है। हम ये यूनिवर्सिटी में हमेशा लस ग्रीन आपको मिलेगा, मतलब हमेशा हर जगह इन्वायरमेंट से आप क्लोज रहोगे, नेचर से क्लोज रहोगे। ये डिपार्टमेंट के बाहर का व्यू है, शाम हो गई थी, कितनी प्यारी सनसेट लग रही थी यहाँ पे। कुछ ऊपर यूनिवर्सिटी का जो गार्डन है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसका व्यू है, आप देख सकते हैं कितना एंजॉयबल व्यू है। अभी तो शाम हो गई थी, तो इसलिए इस टाइम पे कोई नहीं था। इस बार यूनिवर्सिटी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, आप आएँ और देखें। और यहाँ पर एडमिशन ले, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, BTEC वाले बहुत सारे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का खुल गया है। और इन्वायरमेंट तो अच्छा काफ़ी है यहाँ पे रैगिंग भी नहीं होती है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सीनियर बहुत अच्छे से बात करते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, हाईली स्किल्ड हैं, और उनके पास नॉलेज भी अच्छा है, वो लोग बहुत मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। स्पेशली MSc में बहुत सारे टीचर हैं जो फॉरेन से पढ़े हुए हैं, जूलॉजी में भी ऐसे हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी ऐसे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो मुझे यहाँ का पर्सनल व्यू पूरा अच्छे से पता है। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, और यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, और क्या बोलते हैं
मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ का सागर का। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या सिलेबस एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप ये सभी पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन मेरे से, मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।